वाटिका में आई, उधर जानकी जी सरोवर में गई स्नान करने के लिए, पूजन के हेतु से। तब तक एक सखी ने सोचा, जब तक किशोरी जी माँ वैदेही की पूजन करेंगी तब तक चलती हूँ बगीचे में घूम करके आती हूँ। जब बगीचे में हो गई और घूमते घूमते वो उस जगह पहुंच गई जहाँ रघुनंदन प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई के साथ पुष्पों का चयन कर रहे थे। सखी ने राघव जी को देखा, देखते ही उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। बस अपलक नेत्रों से राघव जी को निहार रही है, शरीर कांपने लगा। कैसे भी स्वयं को संभालती लड़खड़ाती माँ वैदेही के पास आती है। सखियां उसकी उस स्थिति को देखकर के व्याकुल है, कहते हैं क्या हो गया तुझे, अच्छी भली आई थी हमारे साथ, क्या हो गया, कहीं कोई जीव जंतु ने तुम्हें स्पर्श कर दिया, अरे कुछ भी सहने तो नहीं खा लिया, क्या हो गया तुझे। पूछ पूछ के सब हारे, कुछ बोलते ही नहीं है। अंत में एक बार में कहती है, अरे क्या बताऊं और कैसे बताऊं। सखिया कहते हैं बस इतना बता दे, तेरी ये दशा कैसे हो गई, तेरी हालत कैसे हो गई। सखी कहते सुनो, बता नहीं सकती, अरे क्यों नहीं बता सकती, बोली बताने वाले ने जब देखा ही नहीं है तो फिर कैसे बताऊं। सखिया कहती है तो जिसने देखा है उसी से पूछ करके बता दे। सखी कहती है जिसने देखा है ना उसके पास तो बताने वाली वस्तु ही नहीं है, कैसे बताऊं। सखिया कहती है गोल गोल बातें बताना बंद कर, सीधा बता हुआ क्या है। सखी कहती है सुनो, वाणी बता सकती है पर वाणी के पास कोई नेत्र ही नहीं थे, तो बेचारे देखे कैसे, और नेत्र देख सकते थे लेकिन नेत्रों के पास कोई वाणी ही नहीं थी, तो बेचारे बोले कैसे, दोनों में एक ही वस्तु का अभाव है, दोनों पूर्ण नहीं है, तो फिर मैं कैसे बताऊं। सखियां कहती है बस इतना बता देना तेरी हर हालत कैसे हो गई, दशा कैसे हो गई। सखी कहते सुनो, आज इस जनक जी की वाटिका में ना दो तांत्रिक आए हैं, टोना करने वाले आए हैं। सखियां कहते तू पूरा तो नहीं गई है, यहाँ पर जहाँ पुरुषों का प्रवेश तक वर्जित है, तू कहते दो दो टोना करने वाले आए हैं। सखी कहते आए हैं और तुझे क्या लगता है मेरी दशा किसी टोने से कम है क्या, अरे मेरी हालत तो देख। सखिया कहती कौन है, कहां से तेरे पर टोना चला दिया। सखी कहती वो वही है जिनके लिए कल पूरी मिथिला पागल थी, याद करो। सखी कहती है कि राम लखन दोनों भैया अवध रहा भैया मुनि के संग भैया।
Yeah.